सिगमंड फ्रॉयड, द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रॉयड ने हमारे माइंड को डिवाइड किया है 3 डिफरेंट लेवल्स में, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो क्या है ये डिफरेंट लेवल्स, चलिए जानते हैं। फ्रॉयड ने लिंक किया है हमारे माइंड की इन 3 डिफरेंट लेवल्स को एक आइसबर्ग के साथ। जो टॉप लेवल ऑफ आइसबर्ग होता है उसे कंपेयर किया है हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ। उसके बाद जो वो पार्ट जो पानी के अंदर थोड़ा सा छुपा होता है उसे कंपेयर किया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ। और जो सबसे बड़ा पार्ट होता है आइसबर्ग का, जो हमें दिखता नहीं है, जो पानी के बिल्कुल अंदर होता है, उसे रिप्रेजेंट किया है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ। फ्रॉयड का मानना था कि ये तीनों ही पार्ट हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसी थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी मेमोरीज और ऐसे विशेज होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, मतलब हम अवेयर होते हैं। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अवेयर हैं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप कॉन्शियस लेवल पे ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे अगर किसी को कार चलानी आती है तो उसे पता है कि मुझे कार चलानी आती है, पर अगर उसे एरोप्लेन नहीं चलाना आता तो उसे ये भी पता है कि उसे एरोप्लेन नहीं चलाना आता। तो उसको ये भी पता है कि उसे कौन सी चीज़ें आती हैं, और कॉन्शियस लेवल पे ये भी पता है कि उसे कौन सी चीज़ें नहीं आती। तो जिन भी चीज़ों के बारे में हमें पता होता है उस पार्ट ऑफ माइंड को कहते हैं कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के बाद नेक्स्ट लेवल आता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी मेमोरीज, ऐसी थॉट्स या फिर ऐसी फीलिंग्स स्टोर्ड होती हैं जो हमें याद तो नहीं, पर अगर हम अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो वो चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। काफ़ी बार बच्चे जब स्कूल में एग्ज़ाम लिखते हैं तो शुरू में उन्हें ऐसे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, और थोड़ी देर के बाद उनको याद भी आ जाता है कि उन्होंने क्या पढ़ा था, फिर वो उस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम थोड़ा सा जोर डालेंगे, ध्यान से सोचेंगे, हमें आ जाएगी, वो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से ये हमारे माइंड का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके अंदर इतनी सारी थॉट्स, इतनी सारी फीलिंग्स, इतनी सारी अर्जेस, इतनी सारी मेमोरीज होती हैं जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर होती हैं। से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कंटेंट होता है जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है, अनप्लेजेंट होता है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो पेन देती हैं हमें, या फिर जिनके कारण हम एंग्शियस हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारे अंतरात्मा में कुछ ना कुछ मतभेद हो जाता है। कई लोगों को बहुत से अलग अलग सेक्सुअल डिज़ायर्स आते हैं जिसके बारे में उनको खुद भी सोच के शर्म आती है, तो वो ऐसी फीलिंग को सप्रेस कर लेते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत शेमफुल है। अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, पर इन फीलिंग्स को दबाने के कारण उनके बिहेवियर में इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है और वो उसी तरीके से एक्ट करते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा होता है, इसमें होती है रिप्रेस फीलिंग, हिडन मेमोरीज, हमारी कुछ आदतें, थॉट्स, डिज़ायर्स, ऐसी मेमोरीज या फिर ऐसे इमोशंस जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता। जो भी हमारे रातों को सपने आते हैं वो सब स्टोर होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। इसलिए सिगमंड फ्रॉयड ने ड्रीम एनालिसिस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उनके हिसाब से जो हमें सपने आते हैं उनकी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होती है, कुछ ऐसी बातें जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं पर हमें खुद भी नहीं पता, पर वो सपनों के रूप में हमारे सामने हमें रात को दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही कुछ फीलिंग्स या इमोशंस होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। अगर आप कोई अनकॉन्शियस माइंड का एग्जांपल देना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ माइंड गिवन बाय सिगमंड फ्रॉयड, और मैं लाती रहूंगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक ले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।